तो आज हम लोग का साइकिलिंग का डे है और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले साइकिल ठीक कराने, तो साइकिल ठीक कराते हैं फिर बात करते हैं। तो अभी मैं, राज और प्रजीत हम लोग साइकिल ठीक कराने आए हैं अपने। ये मेरा साइकिल है, ये प्रजीत का और वो राज का। फिर तो कुछ बोलना चाहेगा? स्टेटेड, फर्स्ट रेटेड। बहुत गर्मी है। मैं साइकिल ठीक करा के वापस घर आ चुका हूँ और अभी मैं फिर से जाने वाला बाहर अपने दोस्तों के साथ एक साइकिलिंग राइड पे। जनरली हम जाते नहीं लेकिन कभी कभी जब हमारा मूड हो जाता है तब हम जाते हैं। तो अभी 4 बजे जाएंगे, अभी 3:15 हो रहा है, तो 4 बजे मिलते हैं। तो ये दोनों आ चुके हैं, अभी और लोग भी आने वाले हैं, तो let's wait for them। तो ये लोग आ चुका है, एपी, राज और प्रथम। हेलो गाइस, हाय। अभी बोंगो भी शायद आएगा, तो फिर हम लोग ऐसे राइड पे जाएंगे, फिर ऐसे ही पास में कहीं दूर नहीं। Say hi to my vlog। तो अभी हम लोग ने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है। We have murdered 1000 calories, पता नहीं, don't quote me। तो अभी हम लोग वापस बैठेंगे अपने साइकिल्स पे और जाएंगे। आफ्टर 2 आवर्स ऑफ एक्सेस बाइकिंग हम लोग अपने घर आ चुके हैं, मतलब मैं तो आ चुका हूँ, वो लोग का पता नहीं, आई एम श्योर वो लोग भी अपने अपने घर चले गए होंगे। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल बाद साइकिल चलाया है एंड बॉय क्या एक्सपीरियंस था, मतलब इतना मज़ा आता है साइकिलिंग करने में। मेरी जो ये साइकिल है जिस पर आज मैं राइड कर रहा था, वो मैं जब क्लास 8 में था तब मेरे पापा ने मेरे को खरीद दी थी। उसके बाद मैंने उसको 6-7 महीने चलाया, उतना भी नहीं चलाया। उसके बाद उसको मैंने रख दिया अपने गैरेज में, उसके बाद उसको मैंने कभी नहीं निकाला। उसके बाद बीच में निकाला था, चलाया, फिर मैं रख दिया, फिर अभी मैंने उसको फिर से निकाला। तो काफ़ी अच्छी चली वो साइकिल, उतना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हाँ, लेकिन हमने अगर अपना नोट किया कि हमने कितना चलाया, तो हमने ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स चलाया और 16 किलोमीटर जो हमारा सबका हालत ख़राब हुआ, बट मज़ा बहुत आया। सो हे गाइस, दिस इज डे 2 और कल हम सब बहुत थक गए थे क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर साइकिल चलाया था। इतना ज़्यादा साइकिल तो मैंने कभी नहीं चलाया और वो भी इतने दिन बाद मैं साइकिलिंग कर रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स थक गए थे, तो इसलिए कल मैंने व्लॉग ऑड नहीं किया। सो नाउ आई रियली वॉन्ट टू टॉक समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। सो जब 1947 का देश आज़ाद हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि मेल्स के लिए ज़्यादा आज़ाद हुआ था और फीमेल्स के लिए कम हुआ था, वो सब कास्ट के लिए, सब जेंडर्स के लिए, सब रिलीजन के लोगों के लिए इक्वली आज़ाद हुआ था। तो आज जो लोग बोलते हैं कि रात को लड़कों का निकलना ठीक है और लड़कियों का निकलना ठीक है, तो आप गलत बोलते हो, या फिर लड़कियों के कपड़ों के लेंथ से आप उनको जज करते हो, या फिर क्राइम्स उनके कपड़ों के लेंथ से होते हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि It's not about the length of the clothes or the time of the clock when they are going out. It's about the mentality of the people. अगर आप mentality लोगों के change कर सकते हो, then that's something really helpful for the society as compared to judging the people with their length of the clothes and the time in which they are going out of their houses. So that's something really stupid. And to all the men outside, मैं जैसे यही बोलना चाहूँगा कि दाढ़ी बनाने या फिर बॉडी बिल्डिंग करने से यू आर नॉट अ मैन। अगर आप किसी का हेल्प कर सकते हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, देन यू आर कंसिडर्ड अ मैन। इट्स नॉट कि आप अगर बॉडी बना लो या फिर लंबी लंबी दाढ़ियाँ बना लो तो आप मैन हो। अगर आपके पास बड़ी दाढ़ी नहीं है या फिर आपके पास अच्छी बॉडी नहीं है, तो इट डजंट मीन कि यू आर लेस मैनली। अनटिल एंड अनलेस यू आर बीइंग रियली नाइस टू पीपल, यू आर हेल्पिंग पीपल आउट, यू आर अ मैन। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड आई एम श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करता हूँ।